बड़ी परियोजना है इसके अंतर्गत सन दो के डिजाइन अवती केंद्रीय डॉनर राज्य मंत्री प्रभारी माननीय मंत्रियों विधायकों, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी राज्य सरकार के अधिकारियों हम सबको प्रणाम करता हूँ वास्तव में ये राज्य के लिए और विशेष रूप से मेरे लिए समान की बात है कि आज मणिपुर जलपुत्री परियोजना परियोजना योजना के लिए निफ रखने हेतु सहमति इस बात का है कि मणिपुर राज्य को हमेशा है कि आपने मणिपुर राज्य को हमेशा, है को हमेशा दिया है हम याद है हम आपका पास में आए थे एक साल के पहले और घर घर जल के लिए आपसे सिर्फ मिलके एक पत्र आपका पीएमओ ऑफिस में दिया था तो उसी दिन से आपने इतना मेहनत करके इतना अपने ऑफिस लोग को करके एनडीबी से न्यू डेवलपमेंट बैंक से थ्री थाउजेंड फिफ्टी फोर का स्कीम जो मणिपुर राज्य में जैसे नेशनल हाईवे वगैरह का छोड़ के अभी तक इतना बड़ा स्कीम नहीं दिया है आपकी वजह से अभी मणिपुर में घर घर में जल पहुंचने का काम शुरू हो गया है अलग अलग स्कीम से लेकिन ये स्कीम आने के बाद में फिर हम उम्मीद करता हूँ सबको हर हर एक एक घर को जल्द अच्छा पानी पिलाने का आपका अपने बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में थे उसको पूरा करेंगे सर तो आपको एक याद और दिलाना चाहता हूँ सर आपकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में पार्टिकुलरली मणिपुर में काफ़ी चेंज हो गया सर आप याद होगा आपने जो बीजेपी के गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट आने से पहले आप लांगजिंग अचोबा में पब्लिक मीटिंग में आए थे उसमें आपने मणिपुर का सब नागरिकों को आपने वसन वचन दिया था कि बीजेपी को सरकार आने दो बीजेपी को सरकार आने के बाद में मणिपुर में ना बंद होगा ना ब्लॉकेट होगा आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी आज तक आपका जो वचन जो है मणिपुरी प्रजारों ने अभी उसको निभा के रखा है आज तक ना बंद है ना ब्लॉकेट है और आपने जो बोला था एक चीज और जो बीजेपी को सरकार में आने दो तो कांग्रेस ने जो नहीं कर सकता है जो पंद्रह साल में हम पंद्रह महीने में करके दिखाएगा बोल के आपने जो वजन दिया था उसी भी हमने सब मिलके हमने काम में बदल लिया है ना अभी हिल प्लेन का डिवीजन है ना आ, वह आपस में झगड़ा है ना कुछ भी नहीं है अभी आपकी मदद से इतना अच्छा से स्टेट चल रहा है और स्कीम पहाड़ पहाड़ में जो पहले वुमेन्स मार्केट नहीं था तो आपकी मदद से अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट में वुमेन्स का मार्केट बनना ख़त्म हो गया इनोग्रेशन हो गया काम शुरू हो गया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जो फुट पैट है हम नेशनल लेवल से जो आप निर्णय लेता है जैसे कोविड का हो कोविड के बारे में आपने जितना स्ट्रगल किया है जितना गाइड किया है उसी को फॉलो करते करते अभी मणिपुर में अभी सबसे हम कंट्रोल में रख सकता है सबको अभी अभी तक का को कोई कैजुअलिटी नहीं है तो हम वक्त की वजह से हम आप सबको बधाई देते हुए सबको नमस्कार करता हूँ प्रणाम अब मैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार को संबोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ एनडीबी द्वारा वित्त पोषित मणिपुर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मणिपुर जलापूर्ति परियोजना के शिलान्यास के शुभ अवसर पर हम सब के बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपनों को अपने जीवन का व्रत बना करके परिव्राजक के रूप में निरंतर परिश्रम करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धे नरेंद्र मोदी जी कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए उपस्थित मणिपुर की राज्यपाल आदरणीय श्रीमती नजमा हैप्तुल्ला जी माननीय मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन्द्र सिंह जी कार्यक्रम में उपस्थित पूर्वोत्तर राज्यों से संबद्ध मंत्रालय में मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथी मंत्री आदरणीय रतन लाल कटारिया जी भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर जी कार्यक्रम में उपस्थित सांसद विधायकगण भारत सरकार एवं केंद्र सरकार के अधिकारीगण अन्य जनप्रतिनिधिगण मणिपुर के भाइयों और बहनों मैं कार्यक्रम में आज आप सबका बहुत सारा स्वागत करता हूं और साथ ही साथ भारत के जल शक्ति मंत्रालय के ओर से तथा तो जल जीवन मिशन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने आज इस महत्वपूर्ण परियोजना के शिलान्यास के अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए अपना समय देना सुनिश्चित किया माननीय प्रधानमंत्री जी आपने अपनी दिव्य दृष्टि से न केवल इस पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाओं को पहचाना है आपे तो इस क्षेत्र की क्षमताओं को संपूर्णता के साथ में विकसित करने और इस क्षमता के आधार पर इस क्षेत्र में अपार पर्यटन की संभावनाएं, जो पर्यावरण की हरितिमा यहां उपलब्ध है उसका दोहन करते हुए और साथ ही साथ में जो यहाँ रिच कल्चरल और एथनिक हेरिटेज है इस सब के आधार पर इस प्रदेश इस पूरे क्षेत्र की विकास की जो एक नया मार्ग प्रशस्त किया है आज पूरा विश्व पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रति आपके इस प्रेम और आपके इस दिव्य दृष्टि को पहचानने लगा है माननीय प्रधानमंत्री जी क्षेत्र में जिस तरह की ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की संभावनाएं हैं और वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा करते हुए आपने जिस तरह से वोकल को लो, लोकल के लिए वोकल ये नया मंत्र दिया है और इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए जिस तरह की घोषणाएं की है कि हम स्थानीय उत्पादों को किस तरह से वैश्विक बाजार में ले जा करके उन्हें एक ग्लोबल ब्रांड बना सकते हैं ये निश्चित ही इस क्षेत्र के लिए एक ईमेल का पत्थर साबित होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और उनकी पूरी टीम को भी आज मैं मणिपुर के लिए इस महत्वपूर्ण दिन जैसा उन्होंने कहा कि ये मणिपुर के इतिहास में एक सबसे बड़ी परियोजना के रूप में चिन्हित की जाएगी मैं बधाई देना चाहता हूँ मित्रों हम सब जानते हैं कि पिछले पांच वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साधारण मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के दृष्टिकोण से जिस तरह के प्रयास किए गए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आवासहीन को आवास मिले हर घर में शौचालय की सुविधा हो हर घर में बिजली की रोशनी हो हर घर में प्रत्येक माँ को स्वच्छ ईंधन गैस का चूल्हा मिले हर घर में बैंक का कनेक्शन हो बैंक की सुविधा हो और हर गांव तक सड़क पहुंचे। इस दृष्टि से पिछले पाँच साल तक सफलतापूर्वक काम किया गया यह सपना पूरा करने के बाद इस बार सरकार बनने के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने गत 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हुए इस महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया था उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि सत्तर वर्षों में राज्य और केंद्र की सरकारों ने मिलकर के जो प्रयास किया है उसके परे, उसके बाद भी आज देश की लगभग चौरासी प्रतिशत आबादी को उनके घर की महिलाओं को परिवार के आवश्यकता की प्रतिपूर्ति के लिए पानी लेने के लिए अपने घर से बाहर जाना पड़ता है परिश्रम करना पड़ता है मीलों दूर चल के कई देश क्षेत्रों में तो पानी की आपूर्ति के लिए उन्हें काम करना पड़ता है साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां मीलों मीलों दूर तक भी क्वालिटी का पानी शुद्ध पानी पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं है क्लीन और हाइजीनिक पानी न मिल पाने के कारण से अनेक रोगों के कारण रोगों से भी हमारे कई क्षेत्रों के लोग ग्रसित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक संकल्प व्यक्त किया था कि 2024 तक हम देश के प्रत्येक ग्रामीण आवास तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचाएंगे और जल जीवन मिशन का एक सपना संकल्प के साथ में देश के सामने रखा था आपके नेतृत्व में आपके मार्गदर्शन में देश की सरकार ने इसको इस कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है जल शक्ति मंत्रालय राज्यों के साथ में निरंतर सतत संपर्क करते हुए इस कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए लगातार समीक्षा कर रही है माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन पर तेजी से काम होना प्रारंभ हुआ है हालांकि मणिपुर के सामने चुनौती और भी बढ़ी है देश में जहां औसत 16 प्रतिशत आवास तक 16 प्रतिशत घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से मिल रहा था लेकिन मणिपुर में यह संख्या केवल 10 प्रतिशत है चार लाख इक्यावन हजार घरों में से केवल पैंतालीस हजार घरों तक ही अभी यह सुविधा पहुंच पाई है लेकिन माननीय बीरेन्द्र सिंह जी की सरकार ने 2023 तक इस कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया है इस वर्ष में ही दो लाख घरों तक पीने के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी इस साल के अंत तक हम 15 ब्लॉक्स के दो बारह सौ पिचहत्तर विलेजेस को 100% परसेंट कवरेज करेंगे ऐसी योजना बनी है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मणिपुर राज्य इस योजना को सफलता के साथ में पूरा करेगा इस वित्तीय वर्ष में इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के मिलाकर 216 करोड़ रुपए की निधि आवंटित की गई है लेकिन इस निधि को प्रगति के आधार पर और अधिक बढ़ाया जा सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुरूप यह योजना डिमांड ड्रिवन स्कीम है और इसकी सफलता के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके इस योजना में सब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जिम्मेदारी कम्युनिटी पार्टनरशिप एंड ओनरशिप पर निर्भर करती है जल स्रोतों के संरक्षण से लेकर के परियोजना के रख रखाव और घर से निकलने वाले पानी जो ग्रे वाटर के रूप में निकलता है उसके ट्रीटमेंट तक की सारी जिम्मेदारी गांव की पानी समिति ही उठाने वाली है इस दृष्टिकोण से हमने हर एक गांव में ऐसी पानी समितियां बनाने का काम प्रारंभ किया है और महिलाओं ने देश में अनेक स्थानों पर प्रमुखता के साथ में अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करना तय किया है माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्य के अतिरिक्त मणिपुर राज्य को पंद्रहवें वित्त आयोग के माध्यम से जल और जल से स्वच्छता से जुड़े हुए विषय के लिए भी लगभग नब्बे करोड़ रुपया आवंटित किया गया है लेकिन मैं मणिपुर के सरकार और मणिपुर के निवासियों को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरोसा दिलाया है कि इस काम के लिए और भी अधिक संसाधन या तकनीक की सहयोग की यदि आवश्यकता हुई तो हम निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आज जिस परियोजना का शुभारंभ का आ, फाउंडेशन स्टोन ले किया जा रहा है इस परियोजना में तीन मिलियन यूएस डॉलर लगभग तीन हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यय होगा और निश्चित रूप से इस योजना के सफल होने के बाद मणिपुर के निवासियों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा इस कार्यक्रम जल जीवन मिशन का है जो कार्यक्रम देश भर में चल रहा है यह केवल पानी पहुंचाने का कार्यक्रम नहीं है इसके माध्यम से हम समाज में एक रिस्पॉन्सिव लीडरशिप और विशेष रूप से महिलाओं की रिस्पॉन्सिव लीडरशिप खड़ी कर सकें ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है जल जीवन मिशन ने न केवल पीने के पानी पहुँचाने के लिए काम प्रारंभ किया है अपितु तो कोरोना के इस आपदा काल में रोजगार सृजन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है पिछले दो महीने में लॉकडाउन खुलने के बाद में लगभग 45 लाख नए कनेक्शंस प्रदान किए गए जिसके जिनके प्रदान करने के क्रम में लाखों रोजगार के नए दिवस सृजित हुए माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको हमेशा ही जल के संचय जो वर्षा से जल प्रकृति से जल हमें मिलता है उसके संचय की बारे में बात करते हैं संचय के साथ साथ में संचित जल के संरक्षण की बात करते हैं हम सबको जो संरक्षित जल है उसका विवेकपूर्ण उपयोग करें इसके बारे में हम सबको मार्गदर्शन देते हैं और जो पानी हम उपयोग करते हैं उस पानी का वापस पुनः शोधन करके उपयोग कर सकें ऐसा भी हम सबसे आग्रह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जल का आंदोलन जन जन का आंदोलन बनने लगा है आज पूरा देश इस दिशा में निश्चित रूप से सोचने लगा है अपने व्यवहार में परिवर्तन कर आने लगा है ये आ, आने वाले समय में आप माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश जल समृद्ध देश बनेगा और हम आने वाली पीढ़ियों को एक जल समृद्ध देश दे सकेंगे हम सब इस संकल्प के साथ आपके नेतृत्व में काम कर रहे हैं मैं पुणे मणिपुर सरकार का आह्वान करते हुए आभार व्यक्त करते हुए मणिपुर सरकार की तरफ से और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों की तरफ से आप सबका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं जय हिंद प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह है कि मणिपुर पेयजल परियोजना का शुभारंभ रिमोट द्वारा करने की कृपा करें The security, the security for the, for the People, people of, Manipur. of Manipur Foundation Stone of Manipur Water Supply Project is being laid today by Prime Minister Narendra Modi. Manipur Water Supply Project, taken up by the Public Health Engineering Department Manipur, is an externally aided project funded by New Development Bank with a project cost of 3054 crore to reach a target population of 9.6 lakh in the planning area. 4.7 lakh in 25 other towns and 25.7 lakh in 1731 habitations in rural areas for the design period after the year 2044. The project consists of an integrated water supply project for infall planning area having components like river intakes, water treatment plant, overhead tanks, ground level service reservoirs, emergency service reservoirs laboratory buildings, dedicated power feeders, pipe networks, and installation of prepaid and bulk water meters. For other towns and rural areas, the project consists of conventional water treatment plants comprising of river intakes, pump house, aerators, settling tanks, slow sand filters, service reservoirs, overhead tanks, dedicated power feeder lines, laying of raw water mains, clear water transmission mains, Distribution networks including operation and maintenance for a period of five years after commissioning of the project at other towns like Segmai, Lamsang, Lilo, and in rural areas of all the 16 districts of Manipur. The project will start in July 2020 and will be completed by December 2024, saturating the water requirement for the target population of 40 lakh after the year 2044. माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि इस अवसर पर अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें मणिपुर के राज्यपाल श्रीमती नजमा हेप्तुल्ला जी मणिपुर के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह जी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत जी जितेंद्र सिंह जी रतनलाल कटारिया जी मणिपुर से सांसद और विधानसभा के सभी जनप्रतिनिधिगण और मणिपुर के मेरे प्यारे भाई और बहनों ऐखना म्याम्बू खुरु नजरी आज का ये कार्यक्रम इस बात का उदाहरण है कि कोरोना के इस संकट काल में भी देश रुका नहीं है देश थमा नहीं है और देश थका भी नहीं है जब तक वैक्सीन नहीं आती है जहां कोरोना के खिलाफ हमें मजबूती से लड़ते रहना है विजयी होना है वहीं विकास के कार्यों को भी पूरी ताकत से आगे बढ़ाना है इस बार तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत को एक तरह से दोहरी चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है नॉर्थ ईस्ट में फिर इस साल भारी बारिश से काफी नुकसान हो रहा है अनेक लोगों की मृत्यु हुई है अनेक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है मैं सभी प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं इस मुश्किल घड़ी में मैं आप सब को विश्वास दिलाता हूं पूरा देश आपके साथ खड़ा है भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के सभी राज्य सरकारों के साथ जो भी आवश्यकता है हर प्रकार के काम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है साथियों मणिपुर में कोरोना संक्रमण की गति और दायरे को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार दिन रात जुटी हुई है लॉकडाउन के दौरान मणिपुर के लोगों के लिए जरूरी इंतजाम हो या फिर उनको वापस लाने के लिए विशेष प्रबंध राज्य सरकार ने हर जरूरी कदम उठाए हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत मणिपुर के करीब 25 लाख परिवार અને 25 લાખ 25 લાખ ગરીબ ભાઈ બહેનો કો એટલે કે આખરીક કરી 5 લાખ પરિવાર સમજી લિજીએ 6 લાખ પરિવાર સમજી લિજીએ ઇન ગરીબ ભાઈઓ બહેનો કો મુક્ત અનાજ મિલા હૈ ઇસી તરહ 1.5 લાખ સે અધિક બહેનો કો ઉજવલા યોજના કે તહેત મુક્ત गैस सिलेंडर की सुविधा दी गई है मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार की ये योजनाएं संकट के इस समय गरीबों की इसी तरह मदद करती रहेगी साथियों आज इम्फाल सहित मणिपुर के लाखों साथियों के लिए विशेष तौर पर हमारी बहनों के लिए बहुत बड़ा दिन है और वो भी अब कुछ दिन के बाद जब राखी का त्यौहार आने वाला है उसके पूर्व मणिपुर की बहनों को ये बहुत बड़ी बेद सौगात की शुरुआत हो रही है लगभग तीन हजार करोड़ रुपए की लागत से पूरे होने वाले मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को पानी की दिक्कतें कम होने वाली है ग्रेटर इम्फाल सहित छोटे बड़े 25 शहर और कस्बे 1700 से ज्यादा गांवों के लिए इस प्रोजेक्ट से जो जलधारा निकलेगी ये जलधारा जीवन धारा का काम करेगी बड़ी बात यह भी है कि ये प्रोजेक्ट आज की नहीं बल्कि अगले 20-22 साल तक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को घर में पीने का साफ पानी तो उपलब्ध होगा ही उपलब्ध होगा ही हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आप जानते हैं जब शुद्ध पानी पीने को मिलता है तो इम्यूनिटी को बहुत मदद मिलती है रोग प्रतिरोध के लिए बहुत बड़ी ताकत मिलती है बीमारियां दूर रहती है इसलिए इस पानी सिर्फ नल से पानी आएगा इतना विषय नहीं है निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट हर घर नल से जल पहुंचाने के हमारे व्यापक लक्ष्य को भी बहुत अधिक गति देगा मैं इस वॉटर प्रोजेक्ट के लिए मणिपुर के लोगों को और विशेष करके मणिपुर की मेरी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों पिछले वर्ष जब देश में जल जीवन मिशन की शुरुआत हो रही थी तभी मैंने कहा था कि हमें पहले की सरकारों के मुकाबले कई गुना तेजी से काम करना है जब 15 करोड़ से ज्यादा घरों में पाइप से पानी पहुंचाना हो तो एक पल के लिए भी रुकने के बारे में सोचा नहीं जा सकता यही वजह थी कि लॉकडाउन के समय में भी गांव गांव में पाइपलाइन बिछाने और जागरूकता बढ़ाने पंचायतों के साथ लाने का काम लगातार जारी रहा आज स्थिति यह है कि देश में करीब करीब एक लाख वाटर कनेक्शन यानी घरों में पानी का कनेक्शन प्रतिदिन रोज दिया जा रहा है यानी हर रोज एक लाख माताओं बहनों के जीवन से पानी की इतनी बड़ी चिंता को हम दूर कर रहे हैं एक लाख परिवार की माताओं बहनों को उनका जीवन आसान बना रहे हैं ये तेजी इसलिए भी संभव हो पा रही है क्योंकि जल जीवन मिशन एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है इसमें गांव के लोग विशेष करके गांव की बहने गांव के जनप्रतिनिधि ही मिलकर के तय कर रहे हैं कि कहां पाइप बिछेगी कहां पानी का सोर्स बनेगा कहां टैंक बनेगा कहां कितना बजट लगेगा साथियों सरकार की व्यवस्था में इतना बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन इतनी बड़ी मात्रा में ग्रासरूट लेवल पर एम्पावरमेंट आप कल्पना सकते हैं कि ये पानी कितनी बड़ी ताकत बन के आ रहा है साथियों ईज ऑफ लिविंग जीवन जीने में आसानी ईज ऑफ लिविंग जीवन जीने में आसानी ये बेहतर जीवन की एक जरूरी पूर्व शर्त है पैसा कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है लेकिन ईज ऑफ लिविंग इस पर सबका हक है और विशेष करके हमारे हर गरीब भाई बहन माता बहने दलित पिछड़े आदिवासी उनका हक है इसलिए बीते छह वर्षों में भारत में ईज ऑफ लिविंग का भी एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है भारत अपने नागरिकों को जीवन की हर जरूरी सुविधा देने का प्रयास कर रहा है बीते छह साल में हर स्तर पर हर क्षेत्र में वो कदम उठाए गए हैं जो गरीब को सामान्य जन को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सके आज मणिपुर सहित पूरा भारत खुले में शौच से मुक्त होने की घोषणा कर चुका है आज भारत के हर गांव तक बिजली का कनेक्शन पहुंच चुका है करीब करीब हर परिवार बिजली से कनेक्टेड है आज एलपीजी गैस गरीब से गरीब के किचन तक पहुंच चुकी है हर गांव को अच्छी सड़क से जोड़ा जा रहा है हर गरीब बेघर को रहने के लिए अच्छे घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं एक बड़ी कमी रहती थी साफ पानी की तो उसका पूरा करने के लिए भी मिशन मोड पर जल पहुंचाने का काम चल रहा है साथियों बेहतर जीवन का प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का सीधा संबंध कनेक्टिविटी से है नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी यहां के लोगों की ईज ऑफ लिविंग के लिए तो जरूरी है ही एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी बहुत जरूरी है ये एक तरफ से म्यांमार भूटान नेपाल और बांग्लादेश के साथ हमारे सामाजिक व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देती है वहीं भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी सशक्त करती है हमारा ये नॉर्थ ईस्ट एक प्रकार से पूर्वी एशिया के साथ हमारे प्राचीन सांस्कृतिक रिश्तों को और भविष्य के ट्रेड ट्रैवल और टूरिज्म उन रिश्तों का गेटवे है इसी सोच के साथ मणिपुर सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर निरंतर बल दिया जा रहा है रोडवेज हाईवेज एयरवेज वॉटरवेज और आईवेज इसके साथ साथ गैस ग्रीड गैस पाइपलाइन का भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर पावर ग्रिड की व्यवस्था ऐसे कनेक ऐसे कनेक काम नॉर्थ ईस्ट में एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया जा रहा है बीते छह साल में पूरे नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया गया है कोशिश ये है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की राजधानियों को फोर लेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को टू लेन और गांवों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाए इसके तहत करीब तीन हजार किलोमीटर सड़कें तैयार भी हो चुकी हैं और करीब साठ हजार किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है साथियों रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है एक तरफ नए नए स्टेशनों पर रेल पहुंच रही है वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के रेल नेटवर्क को ब्रॉडगेज में बदला जा रहा है आप सभी तो ये बदलाव अनुभव भी कर रहे हैं लगभग चौदह हजार करोड़ रुपए की लागत से बन रही जीरी बाम इम्फाल रेल लाइन के तैयार होने पर मणिपुर में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है इसी तरह नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की राजधानियों को आने वाले दो वर्षों में एक बेहतरीन रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है साथियों रोड और रेलवे के अलावा नॉर्थ ईस्ट की एयर कनेक्टिविटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है आज नॉर्थ ईस्ट में छोटे बड़े करीब तेरह ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं इम्फाल एयरपोर्ट सहित नॉर्थ ईस्ट के जो मौजूदा एयरपोर्ट्स हैं, उनका विस्तार करने के लिए वहां आधुनिक सुविधाएं तैयार करने के लिए तीन हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं साथियों नॉर्थ ईस्ट के लिए एक और बड़ा काम हो रहा है इनलैंड वॉटरवेज इनलैंड वॉटरवेज के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन में देख रहा हूं यहां अब 20 से ज्यादा नेशनल वॉटरवेज उस पर काम चल रहा भविष्य में यहाँ की कनेक्टिविटी सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक सीमित नहीं रहेगी अब समंदर और नदियों के नेटवर्क के जरिए एक सीमलेस कनेक्टिविटी पर काम शुरू हो चुका है कनेक्टिविटी बढ़ने का बहुत बड़ा लाभ हमारे उद्यमियों हमारे किसानों को मिल रहा है इससे नॉर्थ ईस्ट के लिए होने वाले ट्रांसपोर्टेशन में समय की बचत हो रही है दूसरा लाभ यह भी हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट के गांवों को किसानों को दूध सब्जी और मिलरस जैसे दूसरे प्रोडक्ट को देश और विदेश के बड़े बाजारों तक सीधी पहुंच मिली है साथियों नॉर्थ ईस्ट भारत की नेचुरल और कल्चरल डायवर्सिटी का कल्चरल स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा प्रतीक है भारत की आन बान शान है ऐसे में जब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो टूरिज्म को भी बहुत बल मिलता है मणिपुर सहित नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म पोटेंशियल अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है अब तो मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग के माध्यमों से देश और विदेश तक नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर ये, ये पोटेंशियल घर घर पहुंचने की संभावना बन गई है और आसानी से पहुंच सकता है नॉर्थ ईस्ट के अनछुए स्थानों के वीडियो लोगों को अचरज कर रहे हैं लोगों के मन में होता है ये हमारे देश में है ऐसा लोगों के मन में लगता है नॉर्थ ईस्ट अपनी इस ताकत का पूरा लाभ उठाए यहां के युवाओं को रोजगार के अवसर मिले इसी दिशा में सरकार के अनेक काम आगे बढ़ रहे हैं साथियों नॉर्थ ईस्ट में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है दिनों दिन मेरा ये विश्वास इसलिए गहरा हो रहा है क्योंकि अब पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति की स्थापना हो रही है जहां से पहले सिर्फ नेगेटिव खबरें ही आती थी वहाँ अब पीस प्रोग्रेस और प्रोस्परिटी का मंत्र गूंज रहा है एक तरफ जहां मणिपुर में ब्लॉकेड इतिहास का हिस्सा बन चुका है और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे मैं भी मेरी तरफ से नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों का विशेष करके मणिपुर के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने हमें साथ दिया मेरे शब्दों को ताकत दी और आज ब्लॉकेड बीते हुए कल की बात बन गई वहीं असम में दशकों से चला आ रहा हिंसा का दौर थम गया है त्रिपुरा और मिजोरम में भी युवाओं ने हिंसा के रास्ते को त्याग किया है ब्रू रियांग शरणार्थी एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ रहे हैं साथियों बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी और शांति जब ये तीनों चीजें बढ़ती हैं तो इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं अनेक गुना बढ़ जाती है नॉर्थ ईस्ट के पास तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और बम्बू दो ऐसे माध्यम है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को ताकत देने का सामर्थ्य रखते हैं और मैं आज जब यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं नॉर्थ ईस्ट के किसान भाई बहनों से विशेष बात करना चाहता हूँ मैं लगातार कहता आया हूँ कि नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक कैपिटल देश का बन सकता है आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं। पिछले दिन कुछ मुझे वैज्ञानिकों से मिलना हुआ कृषि वैज्ञानिकों से मिलना हुआ कृषि अर्थशास्त्रियों से मिलना हुआ उन्होंने एक मजेदार बात बताई उन्होंने कहा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में किसान अगर पामोलिन की खेती पर चले जाए तो देश को और नॉर्थ ईस्ट को और वहां के किसानों को बहुत बड़ी मदद मिल सकती है आज पामोलिन तेल पामोलिन ऑयल उसका हिंदुस्तान में एश्योर मार्केट है अगर नॉर्थ ईस्ट का किसान ऑर्गेनिक खेती करता हो और उसमें भी पामोलिन की खेती करे आप कल्पना कर सकते हैं आप हिंदुस्तान की कितनी बड़ी सेवा करेंगे हमारे अर्थतंत्र को कैसी नई गति देंगे मैं यहाँ की सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह करूँगा कि वे अपने अपने राज्य में पामोलिन मिशन की रचना करें, किसानों को शिक्षित करें प्रेरित करें और भविष्य में इसमें किसानों को हमें कोई मदद करने की ज़रूरत होगी उस पर भी बैठ करके के कोई योजना बना सकते हैं कुछ सोच सकते हैं हम और इसलिए मैं आज जब नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों से और खास करके मणिपुर के भाइयों बहनों से करता हूं नॉर्थ ईस्ट के मेरे प्यारे भाई बहनों तो हमेशा ही लोकल के लिए वोकल रहे हैं और सिर्फ वोकल है सा नहीं नॉर्थ ईस्ट की एक विशेषता है उनको लोकल के लिए गर्व होता है मुझे याद है जब मैं इस प्रकार का स्कार्फ लगाता हूं तो उस प्रदेश के लोग गौरव से इसको रिकोग्नाइज करते हैं अपनी चीजों का इतना गर्व होना ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए नॉर्थ ईस्ट को यह समझाना कि लोकल के लिए वोकल बनो शायद मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि आप तो उससे भी चार कदम आगे हैं आप तो लोकल के प्रति बहुत ही गौरव करने वाले लोग आप अभिमान फील करते हो हाँ ये हमारा है और यही तो ताकत होती है और जो प्रोडक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में होते थे उनमें से अधिक अधिक आउंस वैल्यू एडिशन प्रमोशन और मार्केट एक्सेस से कभी कभी वंचित रह जाते थे लोगों को पता भी नहीं था अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लोकल प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन और उसकी मार्केटिंग के लिए क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं इन क्लस्टर्स में एग्रो स्टार्टअप्स और दूसरी इंडस्ट्री को हर सुविधाएं दी जाएगी ऐसे में नॉर्थ ईस्ट के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को देश और विदेश के मार्केट्स तक पहुंचाने के लिए हर जरूरी सुविधा नजदीक से ही मिलने वाली है साथियों नॉर्थ ईस्ट का सामर्थ्य भारत के बांबू इंपोर्ट को लोकल प्रोडक्शन से रिप्लेस करने का सामर्थ्य रखता है देश में अगरबत्ती की इतनी बड़ी डिमांड है लेकिन इसके लिए भी हम करोड़ों रुपयों का बांबू इंपोर्ट करते हैं इस स्थिति को बदलने के लिए देश में काफी काम हो रहा है और इसका भी बहुत बड़ा लाभ उत्तर पर्व के राज्यों को ही मिलेगा साथियों नॉर्थ ईस्ट में बैं, बैम्बू इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पहले ही एक बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क को स्वीकृति दी जा चुकी है इतना ही नहीं नुमा मिलगढ़ नुमालीगढ़ में बैम्बू के बायोफ्यूल बनाने की फैक्ट्री भी बनाई जा रही है नेशनल बैंबू मिशन के तहत बैंबू किसानों हैंडीक्राफ्ट से जुड़े आर्टिस्ट और दूसरी सुविधाओं के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है इससे नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को यहां के स्टार्टअप्स को बहुत लाभ होगा साथियों नॉर्थ ईस्ट में हो रहे इस तेज परिवर्तन का लाभ जो राज्य ज्यादा सक्रिय होगा वो उठाएगा मणिपुर के सामने असीमित अवसर है और मुझे पक्का विश्वास है कि मणिपुर मौका जाने नहीं देगा यहाँ के किसानों यहाँ के युवा उद्यमों को इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है हमारा प्रयास यही है कि मणिपुर के युवाओं को रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो हेल्थ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट स्टार्टअप्स और दूसरी अन्य ट्रेनिंग के लिए अब यहीं पर अनेक संस्थान बन रहे हैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनने से मणिपुर देश के स्पोर्ट्स टैलेंट को निखारने के लिए एक बड़ा हब बनता जा रहा है यही नहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी मणिपुर सहित नॉर्थ ईस्ट के सभी युवाओं को आज हॉस्टल समेत बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है विकास और विश्वास के इस रास्ते को हमें और मजबूत करते रहना है एक बार फिर आप सभी को इस नए वाटर प्रोजेक्ट के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं विशेष करके हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद हमें वो शक्ति दें ताकि घर घर जल पहुंचाने के हमारे सपने में कहीं कोई रुकावट ना आए समय सीमा के पहले हम काम कर पाए ऐसे माताएं बहनें हमें आशीर्वाद दें हमें काम करना है हमें काम करने के लिए आशीर्वाद दीजिए आपके आशीर्वाद बहुत बड़ी ताकत होती है और रक्षाबंधन का पर्व सामने है तो मैं आग्रह से आपके आशीर्वाद की कामना करता रहता हूं आप सभी अपना ध्यान रखिए स्वच्छता को लेकर तो वैसे भी नॉर्थ ईस्ट हमेशा से बहुत गंभीर रहा है सतर्क रहा है देश के लिए एक मॉडल के रूप काम कर रहा है लेकिन आज जब हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं तब दो गज की दूरी चेहरे पर मास्क और हैंड सेनेटाइजेशन उसी प्रकार से कहीं बाहर थूकना नहीं गंदगी करना नहीं इन सारी बावरतों का ध्यान रखना है आज कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए सबसे ताकतवर हथियार यही है यही हमें कोरोना से लड़ाई में मदद करते रहेंगे मैं फिर एक बार आप सबके बीच आने का मौका मिला एक बहुत सपने लेकर के इस योजना को शुरुआत कर रहे हैं मणिपुर देश को दिशा दिखाएगा इस पूरे विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम महामहिम राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री माननीय केंद्रीय मंत्री, केंद्री मंत्री जल शक्ति एवं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री उत्तर पूर्वी विकास क्षेत्र के आभारी हैं साथ ही समस्त माननीय मंत्रीगण एवं जन प्रतिनिधियों को हम धन्यवाद करते हैं